हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉमर्स का पेपर। यह कॉमर्स का पेपर उत्तराखंड अल्टीग्रेड 2015 का पेपर है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने उत्तराखंड अल्टीग्रेड और शिक्षण से संबंधित बहुत सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हैं। आप उन्हें देखें, उन्हें लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए इस पेपर को हम शुरू करते हैं। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेखा समीकरण आधारित हैं, इसका जो सही आंसर है वह है डी, द्विपक्ष अवधारणा पर। लेखांकन सिद्धांत सामान्यता आधारित होते हैं, तो यह होते हैं वस्तु परकता पर। अदत व्यय है, तो अदत व्यय होते हैं व्यक्तिगत खाता। मुकेश से निजी उपयोग के लिए फर्नीचर क्रय करने पर इस व्यवहार से प्रभावित होने वाले दो खाते होंगे, इसका जो सही आंसर है वह है बी। अगर आपको हिंदी वर्जन समझ नहीं आ रहा, उसके बगल में इंग्लिश वर्जन भी है, आप यहां से इंग्लिश वर्जन से इसको पढ़ के आंसर देख सकते हैं। अगला सवाल है कोष प्रभाव होगा, इसका जो सही आंसर है मशीन का नगद में विक्रय करने पर। विक्रय किए गए माल की लागत 120,000 है तथा सकल हानि विक्रय 1/4 है, विक्रय राशि होगी, तो इसका जो सही आंसर है वह है सी, 96,000। 1992 में स्थापित भारतीय व्यापार प्रोत्साहन संगठन की स्थापना निम्न में से किनके विलय से हुई, तो यह हुई थी व्यापार विकास प्राधिकरण एवं भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण से। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीकात्मक संकेतात्मक आर्थिक मॉडल का प्रकार है, इसका जो सही आंसर है वह है डी, उपरोक्त सभी, मात्रात्मक मॉडल, आवंटन मॉडल, चल संपत्ति मॉडल। निम्नलिखित में से कौन सा घटक उपभोक्ता व्यवहार के मनोवैज्ञानिक घटकों में शामिल है, तो यह है अधिगम और विश्वास, यानी कि इसका आंसर सी है। गलत युग्म का चयन कीजिए, इसका जो सही आंसर है वह है ए, साधन लागत मूल्य जीडीपी, मूल्य ह्रास बाजार मूल्य पर एनएनपी। निम्नांकित में से कौन से द्विपद वटन के अचर मूल्य हैं, वह है प्रोक सभी। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों में ढील दी गई है, अब एक बैंक खाता खोलने के लिए डैश डैश पते के सबूत का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसका सही आंसर है सी, एक दस्तावेज का। अगला सवाल है कर प्रशासन सुधार आयोग ने वित्त मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इसके सही आंसर है पार्थ सारथी सोम। 1 जनवरी 2015 से मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाने वाला 19वां देश बन गया है लिथुआनिया। ब्रेल की पैड के साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित नए एटीएम डैश कहलाते हैं, इसका सही आंसर है बी, यानी टॉकिंग एटीएम। भारतीय रिजर्व बैंक शीघ्र ही इनसेट अक्षर आर के साथ रुपए के प्रतीक सहित गवर्नर रघुराम जी राजन के हस्ताक्षर वाले महात्मा गांधी श्रृंखला 2005 के मूल्यांकन बैंक नोट जारी करेगा, इसका आंसर है डी, 20। NAFED का विस्तार कीजिए, तो इसका सही आंसर है ए, नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। PPF में न्यूनतम वार्षिक निवेश क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, 150,000। निम्नलिखित बैंक में से किसने श्रीलंका में संचालन के 150 साल का जश्न मनाया है, इसका सही आंसर है बी, भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित बैंकों में से किसने स्मार्ट स्टार खाता शुरू किया है, इसका आंसर है ICICI बैंक। जारी दिशा निर्देशों के अनुसार लघु वित्त बैंकों के लिए न्यूनतम चुकता इक्विटी पूंजी डैश होगी, इसका सही आंसर है 100 करोड़ रुपए। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को परिभाषित किया है, इसका सही आंसर है सी, संपत्ति का विज्ञान।
निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त संसाधन लाभ के लिए निजी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व तथा नियंत्रण किए जाते हैं? तो इसका आंसर है ए, पूंजीवाद। मांग संकुचन इनमें से किसका परिणाम होता है? इसका आंसर है सी, संबंधित वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी होना। ऑपरेशन फ्लड के जनक के रूप में इनमें से किन्हें जाना जाता है? इसका सही आंसर है डी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। भारत की मजदूरी नीति निम्न में से किस पर आधारित है? इसका सही आंसर है निर्वाह खर्च पर। राष्ट्रीय आय निर्धारण की इनमें से कौन सी विधि नहीं है? बी, आयात निर्यात विधि। भारत में निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? व्यापार कर। भारत में कागजी मुद्रा का मुद्रण तथा आपूर्ति की जाती है? सी, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली द्वारा। निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। कंप्यूटराइज लेखांकन प्रणाली का निम्न में से कौन सा लाभ नहीं है? इसका लाभ नहीं है स्टाफ का विरोध। यदि माध्य का मान x बराबर 5 और बहुलक z बराबर 5 है तो माध्यिका का मान होगा? इसका सही आंसर है ए, 5। माध्य विचलन समान है सी, 4/5 परिमाप विचलन के। सूचकांकों को बनाने में कौन सा श्रेष्ठ माध्य प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है गुणोत्तर माध्य। वित्तीय विवरणों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसका सही आंसर है ए, संचालकों का प्रतिवेदन। निम्न में से वित्तीय विश्लेषण तकनीक कौन सी नहीं है? वह है इनमें से कोई नहीं। एनालॉग मॉडल उपयोग किए जाते हैं? यह उपयोग किया जाता है अर्थशास्त्र में। सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम संबंधित है? यह संबंधित है निर्यात से। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना डैश की जाती है? बी, इसका आंसर बी है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अगला सवाल है, कार्यशील पूंजी 21,28,000 रुपये तथा कुल ऋण 42,50,000 रुपये है। यदि कंपनी के दीर्घकालिक ऋण 27,30,000 हो तो चालू अनुपात क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है डी, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। योग्य प्रमेय लागू होता है? तो यह होता है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। सहसंबंध के एक प्रश्न में R का मूल्य 0.64 तथा संभाव्य विभर्म 0.1312 है, N का मान ज्ञात कीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है 9। किसी संगठन में मानव संसाधन को आकर्षित करना, प्रतिधारण किए रहना और विकास करने के कार्य को कहते हैं? इसका सही आंसर है कौशल प्रबंधन। कर्मचारी भर्ती स्टाफिंग का प्रबंधकीय कार्य सर्वाधिक घनिष्ठ रूप से संबंधित है? इसका आंसर है ए, संगठन से। सही वाक्य का चयन कीजिए। इसमें जो सही वाक्य है, वस्तुओं सेवाओं की बिक्री में विज्ञापन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह बिल्कुल सत्य है। सूची एक और सूची दो का मिलान कीजिए। जो सही आंसर है वह है बी, ए का पहला, पीटर एफ डर्क, MBO, FW ट्रेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन, हेनरी जे फेयोल, प्रबंधक के सार्वभौमिक सिद्धांत, हुगो मास्टरवर्ग, क्रियात्मक सिद्धांत। साक्षात्कार लेने की सर्वश्रेष्ठ 7 बिंदु योजना का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो सही आंसर है वह है सी, प्रोफेसर ए रोजर। भारत में प्रथम स्थापित प्रेसिडेंसी बैंक है? इसका सही आंसर है बैंक ऑफ बंगाल। लेखा मानक 25 संबंधित है?
तो यह संबंधित है अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदन से। वित्तीय घाटे की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था, यह दिया गया था चक्रवर्ती समिति के द्वारा। केंद्र एवं राज्यों के अधिकार एवं कर्तव्य संविधान की इस धारा में अंतर्निहित किए गए हैं, तो यह किए गए हैं डी, धारा 246। निम्न में से किसे अस्वच्छ सहायिकी का उदाहरण माना जाएगा, तो यह माना जाएगा डीजल पर सहायिकी। उपनिवेशवाद अवधि में ब्रिटिश पूंजी प्रथमतः निवेश की गई थी, तो यह की गई थी संरचना में। विश्व निवेश प्रतिवेदन एक इनका वार्षिक प्रकाशन है, तो यह वार्षिक प्रकाशन है अंकटाट का। कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा आरोपित किए जाते हैं किंतु केंद्र तथा राज्यों के मध्य विभाजित नहीं किए गए, तो इसका जो सही आंसर है वह है ए, पहला, दूसरा और तीसरा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या का अनुमानित प्रतिशत है, इसका जो अनुमानित प्रतिशत है वह है 28%। निम्नांकित में से कौन सी योजना माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और उसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु लक्षित है, वह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934 इनमें से किसकी कृति है, यह रचना है एम विश्वेश्वरैया। IRDA अधिनियम पारित किया गया था 1999 में। STP विचारधारा में S का तात्पर्य है खंडीयकरण, सेगमेंटेशन। एक व्यवसाय के लिए ब्रांड मूल्य होता है संपत्ति। रुपए 50 के स्थान पर 99 मूल्य रखने की नीति कहलाती है, यह कहलाती है मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति। लेखा एवं वित्त में सर्वाधिक प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है, तो यह है बी, यानी सबसे प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है टैली। विपणन मिश्रण में द्वितीय पी है, यह है मूल्य। सिद्धांत एक्स एवं सिद्धांत वाई का प्रतिपादन किया, तो यह किया था बी, मैकग्रेगर। यदि X1, X2, X18 परीक्षण इस प्रकार है कि प्रेक्षकों का मान विचलन होगा, तो यह होगा डी, 3/2। आप इसे सॉल्व करें। लेफर वक्र निम्नांकित में से किनके बीच संबंध को दर्शाता है, यह दर्शाता है कर दर एवं कर आय। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यह स्थित है जिनेवा में। निष्पादन संपत्ति का अर्थ है, यह है इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में बुनियादी सुविधा का तात्पर्य है परिवहन, बैंकिंग, संचार, यानी उपरोक्त सभी। व्यवसाय की समस्त क्रियाएं निम्न में से किस श्रेणी में आती हैं, तो यह आती हैं उपरोक्त सभी, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार। एक फर्म का औसत लागत वक्र इस नाम से भी जाना जाता है, यह जाना जाता है मांग वक्र। सांख्यिकी में निर्धारित गुणांक का वर्ग मूल कहलाता है, यह कहलाता है निर्धारित का गुणांक। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्देशित क्लास 49 का सूची यन समझौते के वाक्यांश का संबंध है, तो यह संबंध है निर्गमीय निर्देशन से। मैरी पार्कर फॉलेट द्वारा बताए गए समन्वय के चार सिद्धांतों में निम्न में से कौन नहीं है, तो वह है डी, आयोजन। उत्पादक जीवन चक्र में तृतीय अवस्था है परिपक्वता। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका सही आंसर है
सर सी डी देशमुख। नरम मुद्रा का आश्रय है एस बराबर सप्लाई, डी बराबर मांग। तो इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एस ग्रेटर देन डी। निम्नांकित में से कौन सा बिंदु रेखा चित्र में एफ से जी पर पहुंचने को व्यक्त करता है? तो यह करता है श्रम बाजार में बाजार मजदूरी दर में वृद्धि। यदि एक्स वस्तु पर 25% मूल्यानुसार लागत शुल्क लगा दिया जाए तो मौद्रिक प्रशुल्क है 25%। निम्नलिखित वित्तीय रेटिंग अभिकरण नहीं है। इसका आंसर है NBA। प्रतियोगिता तकनीक है उपभोक्ता एवं विक्रेता संवर्धन दोनों की। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी में शामिल नहीं है। यह नहीं है यात्रा भत्ता। अवकाश वेतन माना जाता है अनुषंगी लाभ। लेखांकन व्यापार की डैश है। इसका सही आंसर है ए भाषा। वित्तीय लेखांकन का मूल कार्य है बी सभी व्यापारिक लेनदेन का रिकॉर्ड रखना। लेखांकन समीकरण है ए बराबर संपत्ति, एल बराबर दायित्व, पी बराबर पूंजी। इसका जो सही आंसर है वह है ए माइनस एल बराबर पी। निम्न में से कौन सा लेखा मानक संबद्ध पक्ष प्रकटीकरण से संबंधित है? यह है बी लेखा मानक धारा। रोकड़ लेन देन का आशय निम्नलिखित के निपटान से है तो वह है टी प्लस जीरो। AIDAS विचार में डी से तात्पर्य है तो वह है इच्छा। रोकड़ वही है सी दोनों। प्रधान किताब और सब्सिडायरी बुक। रोकड़ वही के अनुसार बैंक बैलेंस है बी संपत्ति। नीचे दिए गए आंकड़ों की सहायता से सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य का अनुमान लगाइए। इसका जो सही आंसर है वह है ए 31,400 करोड़। इसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत एवं MR बराबर होते हैं। सूची एक और सूची दो को मिलाना है। उसका जो सही आंसर है वह है ए यानी ए का चौथा रेंडर नर्त से संतुलित विकास का सिद्धांत। बी का तीसरा रोजस्टीन रोदान बड़ा धक्का सिद्धांत। गुन्नार मिडल वेकवाश प्रभाव। हर्ट्ज़मैन असंतुलित विकास का सिद्धांत। सही युग्म का चयन कीजिए। इसका जो सही आंसर है उपरोक्त में सभी सही हैं। आयकर अधिनियम 1961, संपत्ति का अधिनियम 1957, व्यय कर अधिनियम 1987, ये सब सही हैं। अगला सवाल है गलत युग्म का चयन कीजिए। तो उपहार टैक्स अधिनियम 2009 यह गलत है, बाकी सब सही है। भारत के वित्त मंत्री हैं। इसका सही आंसर है अरुण जेटली। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 74 में वर्णित ECS का आशय है तो यह है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। सामान्य वित्तीय लेखा नियम में बिल की परिभाषा दी गई है नियम 75 में। तो इस तरह से अल्टीग्रेड का एक और पेपर यही समाप्त होता है। यह पेपर कॉमर्स का था। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले एजुकेशनल वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।